हाउ आर यू ऑल एंड दिस इज मी हिना फिरदौस, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज डे 17 है हमारे ब्लॉगिंग का और मैंने चाय भी बना ली है। बहुत बेहतरीन चाय है, थोड़ी मीठी है और कड़क भी मेरी तरह। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मैं टीचिंग रिसोर्सेज टूल्स के बारे में देख रही थी कई सारे और मुझे कोई एक टूल मिल भी गया और मैंने उसका इस्तेमाल भी किया। इट वॉज़ वेरी नाइस। आई थिंक आई ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट विथ माई स्टूडेंट। तो हाँ, बाकी थोड़ा सा मैं वेबसाइट के ऊपर काम करने का प्रयास कर रही थी और ऐप डेवलपमेंट का देख रही थी, पर आज का दिन मैंने मोस्टली यूं ही गुजार दिया। बी ऑनेस्ट, मतलब हार्डली मैंने 2-3 घंटा काम किया एंड देन आई वॉज वेरी मच अनप्रोडक्टिव। और उसी में मैं रेंडमली ब्लॉग्स देखने रखी लगी सिविल बींग्स के, एंड वाइल वॉचिंग दैट ब्लॉग उन्होंने वीडियो बनाया था। इट वॉज़ वेरी सैड कि हिज फादर इज़ नॉट वेल, बट जो बातें उन्होंने की मैं डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो का लिंक डाल दूंगी। बहुत सही बातें की जो आज को हमें फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इनसे तुम्हारा कुछ भला नहीं होना है, किसी पार्टी को सपोर्ट करके तुम्हारा कुछ भला नहीं होना है। जस्ट सी व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ लीडर वो कैसा है, दैट्स इट। पता है तुम लोग को मतलब कितने सारे पर्क्स है पॉलिटिशियन के, वो पर्क्स अगर एक कॉमन ह्यूमन को नहीं है। अगर आप एक जॉब के लिए जाते हो, आप अगर एक छोटी सी भी गलती कर देते हो रिगार्डिंग, अगर आप टाइम पर नहीं आ रहे हो, अगर आपने एक्स्ट्रा एक दिन छुट्टी ले ली, आपका मैनेजर आपको कितना बुरा सुनाता है। आपका मैनेजर के आपके डायरेक्टर का कॉल आ जाएगा, आपको कितनी बुरी लिखाड़ पड़ती है कि आपने एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी कैसे ले ली। एंड दीज पॉलिटिशियंस, दे आर अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल बी कॉल्ड इन प्रोफेशनल, बट दे आर नेवर बीन क्वेश्चन एंड नाउ वी आर नॉट एट ऑल क्वेश्चनिंग देम। बट दिस इज अ ब्लॉग, सो मैं अपना रेंटिंग यहीं तक रखूंगी, बट ये ट्रू है और मेरे बच्चों ये रियलिटी है, ठीक है। तो अपना अपने लिए काम करो। और भाई वाकसे से सरकार ने, प्रधान जी ने कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, तो आत्मनिर्भर तो आप बन रहे हो ना, सो बनते रहो। और ये आपका ये मत सोचो, डोंट फील प्राउड ऑफ इट, फील पैथेटिक अबाउट इट। यू आर इन अ पैरालाइज सिचुएशन। बट एनीवेज, हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारे सेंचुरी का। इसका यूटिलाइज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना हो सके यूटिलाइज़ करो, अपने समय का यूटिलाइज़ करो। मैं आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक और इंसिडेंट है मैं बताना चाहती हूँ कि मैं शाम को अपनी ओनर के पास गई और उन्होंने बेचारे काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो सब फॉरेन में रहते हैं। और अगर आप वो ब्लॉग देख रहे हो मेरा जो कि आपके पेरेंट्स ज़यीफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं और आप लोग कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में हो, तो आपको वो दर्द पता होगा। असर मैं तो इंडिया में हूँ, ऑल्दो आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, बट स्टिल आई एम इन इंडिया एंड आई कैन विजिट देम एनी टाइम आई वॉन्ट। तो आज उनके घर में उनकी छत, जो किचन की छत थी, वो गिर गई। और दैट इज़ बिकॉज कि जो उनके ऊपर वाले थे, मतलब जो उनके अपर फ्लोर जो रह रहे थे, द ओनर ऑफ दैट अपर फ्लोर वॉज वेरी केयरलेस। शी वॉज कंप्लेनिंग फ्रॉम मोर देन अ मंथ कि यहाँ पे लाइक यू नो लीक हो रहा है छत, आप प्लीज़ कुछ करो, जो सामान वहाँ रखा है उसे हटाओ। बट दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो मतलब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। और फॉर पास्ट 4 days ऑल्सो शी वॉज कॉलिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड शी वॉज आस्किंग द हेल्प, बट nobody gave anything about that। और आज उन्होंने बताया कि जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, उनका जो छत था वो गिर गया। एंड शी शोड मी इट वॉज मोर देन 3 feet ह्यूज, लाइक यू नो 3 feet लेंथ एंड 3 feet विथ। इतना बड़ा 3 feet कंपनी होता है, वो आधा किचन का जो सेक्शन था वो गिर गया। एंड लकीली शी इज सेफ, नथिंग हैपेंड, बट स्टिल आई कैन सी लाइक यू नो शी हर वॉइस वॉज शेकिंग एंड शी वॉज वेरी मच टॉर्मेंटेड। और अभी शाम को ही हुई थी वो घटना। ये तो अच्छा था कि आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मुझे उनके पास जाने का था, कि मैं चले गई और मैंने कॉल भी नहीं किया। जनरली मैं कॉल करके जाती हूँ, पर आज मैंने कॉल भी नहीं किया और आंटी ने कम से कम ये बताया दिखाया। तो यार आप लोग अगर कहीं लैंड ओनर हो या
कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही प्रॉब्लम है. हम रिस्पॉन्सिबल, हम हमारी ना बहुत बुरी आदत है, हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक नहीं करते हैं और खुद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते. रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ. अगर हर आदमी अपने अंदर में एक लीडर बन जाए तो आप भारत को बहुत अच्छा गढ़ सकते हो, आप अपने आप को अपना घर अच्छा बना सकते हो. बस गट्स नहीं है हमारे अंदर स्टैंड लेने का, ना वो गट्स नहीं है. लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है. बट एनीवेज, तो सुरक्षित रहो, जहाँ हो जैसे हो अच्छी हालत में रहो, अपना ख्याल रखो और ये फालतू पॉलिटिक्स से दूर रहो. ये फिर से आजकल न्यूज़ में शुरू हो गई हैं चीज़ें, इनसे आपका भी भला नहीं होना है, किसी का भला नहीं होना है. आज एक चीज़ मैंने पढ़ी कि हिटलर साहब ने एक चीज़ कहा था और वो अभी रियलिटी होते हुए दिख रही है कि लोगों को इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि अगर वो आज जिंदा हैं तो उसमें अपनी खुशनसीबी मांगे. और शायद हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं. इट्स अ सैड रियलिटी बट वी आर इन दैट पोजीशन राइट नाउ. सो प्रेज टू द लॉर्ड. जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी एज मच एज पॉसिबल, हेल्प ईच अदर, क्योंकि आज हम ही एक दूसरे के सहारा हैं. और आपको क्या चाहिए मेरे ब्लॉग से, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंस्टेड ऑफ टेलिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई डे, अगर मैं कुछ और भी इस चैनल में कहूँ, जैसे रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट या फिर रिज्यूमे कैसा लिखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं. और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.